साल 2025 तक पूरा हो जाएगा झंझारपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण। तेजी से हो रहा निर्माण कार्य डीएम। आज मधुबनी जिले के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने झंझारपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। डीएम अरविंद कुमार आज बुधवार को अपनी टीम के साथ झंझारपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अनुमंडल अस्पताल के बगल में बन रहे झंझारपुर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने निर्माण कार्य एजेंसी के अधिकारियों से निर्माण के बाबत बारीकी से जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम अरविंद कुमार मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल का भी बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान वह निर्माणाधीन स्थल पर पूर्व में स्थापित दो मंदिरों के बाबत भी जानकारी ली। मेडिकल कॉलेज निर्माण कर रहे एजेंसी के अधिकारियों ने डीएम को गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के बाबत नक्शा का प्रारूप भी दिखाया और नक्शा के अनुरूप निर्माण कार्य के बाबत डीएम ने अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण मई 2025 तक कर लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी को निर्देशित किया गया है। साथ ही डीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल पर पूर्व में महादेव एवं बजरंगबली का मंदिर स्थापित है, जिसको लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। एसडीएम को निर्देशित किया गया था कि स्थानीय आम लोगों के साथ बैठक कर इसका हल निकाल लिया जाएगा, जिसके आलोक में मंदिर का निर्माण कॉलेज परिसर में ही साइड में किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आ सके और मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी आसानी पूर्वक हो सके। डीएम श्री कुमार ने कहा कि इस परिसर में एक पशुपालन विभाग भी भवन है, जिसका अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश मिल चुका है। जल्द ही पशु चिकित्सालय को शिफ्ट कर लिया जाएगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल के चारों साइड बाउंड्री करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। जल्द ही चार दीवारी चारों साइड से बनना शुरू किया जाएगा। हालांकि एजेंसी के अधिकारियों ने चार दीवारी निर्माण शुरू कर लिए जाने की जानकारी डीएम को दी है। तत्पश्चात डीएम अरविंद कुमार यहां से सीधे अडरिया संग्राम स्थित पैक्स कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां धान अधिप्राप्ति के बाबत जानकारी ली। 50% बाकी लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं मिथिला हाट पहुंचकर डीएम ने वहां की स्थिति का जायजा लिया और मिथिला हाट प्रबंधन की ओर से सड़क व पार्किंग की समस्या पर विमर्श किया। मिथिला हाट में निर्माण कार्य को लेकर कम पड़ रही जमीन के बाबत जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव विभाग को भेजने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कुमार गौरव, सीओ सुमित कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद। इधर मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य में तेजी लाने की खबर से क्षेत्र में लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। कहीं कोई इशू नहीं है, विभाग के द्वारा फंड वगैरह भी समय से दिया जा रहा है। बीच में काम रुका था, लेकिन अब बहुत तेजी से काम हो रहा है और प्रशासनिक साइड से यहाँ पे कुछ मंदिर, दो मंदिर थे, दोनों का भी जिला प्रशासन ने और लोगों के साथ जनप्रतिनिधि सब बैठक करके उसमें बात हो गई है उस मंदिर शिफ्ट करने का। वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उसको शिफ्ट किया जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं बचा हुआ है। इसके अलावा एक वेटनरी का पशुपालन वाली बिल्डिंग थी, उसको भी बाउंड्री से बाहर करते हुए वो भी उसका निर्णय लिया गया था, उसी हिसाब से बाउंड्री भी किया जाएगा। तो कोई अभी बाधा वर्तमान में मेडिकल कॉलेज निर्माण में नहीं है और जो एजेंसी है उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अगले वर्ष 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इनको निर्देश दिया गया है थोड़ा मजदूरों की संख्या और बढ़ाएं, जो ताकि और तेज़ी से काम हो सके, क्योंकि बीच में मानसून सीजन में सब भी रहेगा, उसमें काम धीमे होता है। तो अभी लीन सीजन है, बारिश नहीं है, इसमें तेज़ी से काम कराएँ। किसी प्रकार की बाधा नहीं, उम्मीद है अगले वर्ष तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कम्प्लीट हो जाएगा। 2025 के लास्ट तक की नहीं, मई 2025 तक का समय इन्हें बता दिया गया है। लेकिन अनुरोध यही किया गया है कि चूंकि थोड़ा विलंब हो चुका है तो और वर्कफोर्स बढ़ा के उसको और तेजी से काम करना। अभी फिर से कहाँ जाएंगे? अभी कुछ पैक्स का इंस्पेक्शन एक दो करेंगे, फिर मिथिला हाट का इंस्पेक्शन करेंगे। हम लोग तो रहेंगे। हाँ आइए, आ जाओ।